नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम चंद्रमा के विषय में बात करेंगे। चंद्रमा यदि कुंडली में शुभ होकर पर्याप्त रूप से अंश बल के साथ शुभ भावों में पूर्ण बली होकर यदि बैठे हुए हैं, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा युत हैं, तो जातक का मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं, प्रबल होते हैं। आज के वीडियो में हम सूत्रों के द्वारा आसान तरीके से ये जान पाएंगे कि जातक के मन का झुकाव आखिर किस ओर है। 5 सरल सूत्रों को लिया गया है और उन्हें उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, चंद्रमा से संबंधित आधारभूत बातों को समझ लेते हैं, इसके पश्चात हम सूत्रों के द्वारा समझेंगे चंद्रमा की प्रकृति को। देखिए, चंद्रमा किसी भी लग्न की कुंडली में माता के प्रमुख कारक हैं, मन के कारक ग्रह हैं, विचारों के उतार चढ़ाव के कारक हैं। चंद्रमा यदि कुंडली में अंशात्मक रूप से बलवान हो, कुंडली में कारक ग्रह बनकर शुभ भावों के अंदर शुभ भावों से दृष्ट अथवा युत हो, तो जातक के विचार प्रबल रहते हैं। जातक के विचारों में उतार चढ़ाव कम रहता है। जातक के विचार मजबूत हो जाने से जीवन में सफलता प्राप्ति के मार्ग खुल जाया करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि चंद्रमा हमारी कुंडली में शुभ है अथवा नहीं, इसे कैसे पहचाने। तो देखिए, किसी भी भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं, वहां पर सबसे पहले आप राशि का अंक देख लीजिए। यदि राशि का अंक 4 आ रहा है तो इसका मतलब है कि चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हुए हैं और चंद्रमा अपनी खुद की राशि में बैठे हुए माने जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जातक को ये चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देंगे। ये एक बिंदु हुआ। दूसरे बिंदु पर विचार करते हैं। देखिए, चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हो, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 2 लिखा मिले, यानी वृषभ राशि मिले, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन इसके लिए प्लेसमेंट भी देखना अनिवार्य होती है। इसके अलावा यदि चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हों, वहां पर राशि का अंक आपको 8 लिखा मिले, यानी वृश्चिक राशि हो, इसका मतलब है कि चंद्रमा अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं और नीच राशि में बैठे हुए चंद्रमा जातक को अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लेकिन ध्यान रखें, यदि चंद्रमा नीच के हो गए हैं तब इनका आप डिग्री वाइज अंश चेक करिए, क्योंकि चंद्रमा 3 डिग्री तक ही नीच अवस्था के माने जा सकते हैं। इसके बाद ये सामान्य प्रकार का फल देंगे। मान लीजिए 3 डिग्री से ज्यादा का अंश नहीं है, तब आप ये देखें क्या चंद्रमा की नीचता भंग हो गई है अथवा नहीं। यदि चंद्रमा की नीचता भंग हो जाती है तो सामान्य प्रकार का रिजल्ट, नीचता भंग नहीं होती है तो नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि चंद्रमा पर किन ग्रहों का प्रभाव है। शुभ ग्रहों के प्रभाव से चंद्रमा की अशुभता में कमी आएगी और अशुभ ग्रहों के प्रभाव से चंद्रमा की शुभता में कमी आती है। ठीक है, तो सारी बातों को दृष्टिगत रखने के पश्चात ही हम किसी निर्णय अथवा नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अब आइए सूत्रों के द्वारा चंद्रमा की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, चंद्रमा से संबंधित आज का पहला ज्योतिष सूत्र इस प्रकार से है। चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर राहु के नक्षत्र में बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक व्यर्थ की चीजों में अपना समय गंवाने वाला, व्यर्थ की चीजों में समय को बर्बाद करने वाला, गैर जरूरी चीजों में दिमाग लगाकर समय को नष्ट करने वाला होता है। यानी जातक ये समझ ही नहीं पाता कि उसे वास्तव में करना क्या है। कभी कुछ करेगा तो कभी कुछ करेगा। आइए उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा कुंडली के लग्न भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं। आप यहां पर आप देखें कि कौन से नक्षत्र में, यदि राहु के नक्षत्र में है तो राहु के नक्षत्र होते हैं आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और सत्वभिषा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में राहु ग्रह बैठे हुए हैं तो पक्का मान लीजिए कि जातक के विचारों में उतार चढ़ाव काफी बना रहेगा। हालांकि किस मात्रा में रहेगा ये निर्भर करेगा कि चंद्रमा किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है अथवा नहीं, यानी शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा युत है या नहीं, इस बात को आपको चेक कर लेना चाहिए। यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो ये भ्रम की जो स्थिति रहेगी वह थोड़ी सी कमजोर रहेगी। यदि मान लीजिए अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो भ्रमात्मक स्थिति ज्यादा बनी रह सकती है। मित्रों, चंद्रमा से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। चंद्रमा कुंडली में अंशात्मक रूप से बलवान होकर, पक्ष बल से बली होकर, यदि पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है तो अतिश्रेष्ठ, शुभ भावों में स्थित हो तो जातक के उच्च विचार एवं स्थिर विचार होते हैं। जातक स्थिर विचारों का धनी होगा, समय पर निर्णय करेगा, अपने जीवन में तरक्की हासिल करेगा। आइए उदाहरण के द्वारा इसे हम समझते हैं। देखिए, चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि बैठ जाए तो काल पुरुष की कुंडली में आप देखें तो यहाँ पर राशि का अंक आता है 4। ठीक है, यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है, आप इसे काल पुरुष की कुंडली भी मान सकते हैं। चतुर्थ भाव में 4 नंबर का राशि का अंक आएगा, यानी कर्क राशि होगी, जिसके स्वामी ग्रह हुए चंद्रमा। अब चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में कारक ग्रह भी होते हैं तो जातक के विचार स्थिर होंगे, उच्च विचार होंगे, सात्विक विचार होंगे। हालांकि किस मात्रा में रहेंगे ये निर्भर करेगा कि चंद्रमा पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव ना हो, यानी युत अथवा दृष्ट ना हो। इसके अलावा पापक ग्रहों के द्वारा ही घिरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में निसंदेह चंद्रमा जातक को अपनी दशा अथवा अंतरदशा के दौरान श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बन रही है
तो उसके किस प्रकार के प्रभाव आपने उसकी दशा अंतरदशा के दौरान देखें, कृपया कमेंट्स के माध्यम से बताने का प्रयास अवश्य करें। आइए तीसरे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, चंद्रमा से संबंधित आज का तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। चंद्रमा पर सुबक ग्रहों का प्रभाव जितना ज्यादा होगा, जातक का मन उतना ही शांत होता है, स्थिर रहेगा, चित्त शांत होगा, यानी अशुभ ग्रहों का प्रभाव जितना ज्यादा होगा, जातक का मन उतना ही अस्थिर एवं अशांत होता है। आइए उदाहरण के द्वारा इस विषय वस्तु को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हैं और गुरु ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के नवम भाव के अंदर। गुरु की पांचवी दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर है, अतः जातक का मन शांत एवं स्थिर रहेगा, जातक के विचार स्थिर होंगे, सात्विक प्रकार के विचार जातक के रह सकते हैं। ध्यान रखें कि चंद्रमा अंशात्मक रूप से बलवान हो, पक्ष बल से मजबूत हो, ठीक है, यानी पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा यदि है तो काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ध्यान रखें चंद्रमा नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए और शत्रु क्षेत्री ना हो, किसी सुबक ग्रह के साथ यदि बैठ जाते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट ये देंगे। आपके जो भी विचार हो आप कमेंट्स के माध्यम से उन्हें बताने का प्रयास अवश्य करें। मित्रों, चंद्रमा से संबंधित आज का चौथा और काफी महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार से है। चंद्रमा जिस भाव को देखता है, फिर से सुनिए, चंद्रमा जिस भाव को देखता है उस भाव से संबंधित चीजों की तरफ जातक का झुकाव रहता है। चंद्रमा जिस भाव को देखता है उस भाव से संबंधित चीजों की तरफ झुकाव जातक का रहता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, चंद्रमा को मैंने यहां पर कुंडली के एकादश भाव में लिखा हुआ है। अब यहां पर किसी भी लग्न की कुंडली आपकी हो सकती है। अब देखिए, चंद्रमा के पास केवल एक दृष्टि होती है, वह होती है सप्तम दृष्टि, और वह सप्तम दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। अब कुंडली के पंचम भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? संतान का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं, प्रेम इत्यादि बातों का विचार करते हैं, इष्ट का विचार भी हम यहीं से करते हैं। अब चंद्रमा यदि ये शुभ प्रभाव में है, यानी शुभ होकर यदि देख रहे हैं, तो जातक का जो मन रहेगा वह ईश्वर के प्रति रहेगा, इष्ट की ओर रहेगा, शिक्षा में ज्ञान की तरफ जातक का झुकाव रहेगा। अब मान लीजिए कि चंद्रमा पीड़ित हो गए, अशुभ हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक विपरीत के प्रति आकर्षित रह सकता है, एक तरफा मोह जातक के अंदर बना रह सकता है, यानी इससे संबंधित विचार जातक के दिमाग में घूम सकते हैं। अब किस मात्रा में रहेंगे ये निर्भर करेगा कि पंचम भाव में जो राशि का अंक लिखा है, यानी पंचमेश कहां बैठे हुए हैं, पंचमेश की स्थिति शुभ है अथवा नहीं, पंचम भाव किन ग्रहों के प्रभाव में, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो जातक का झुकाव फिर अशुभ चीजों की तरफ ज्यादा रहेगा, और यदि पंचम भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो जातक का झुकाव अच्छी चीजों की तरफ रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा की शुभता भी देखना अनिवार्य है। चंद्रमा शुभ होकर बैठे हुए हैं तो अच्छी चीजों की तरफ, पंचम भाव से संबंधित जो अच्छी चीजें हैं उनकी तरफ जातक का झुकाव रहेगा, और यदि चंद्रमा पीड़ित हुए तो ऐसी परिस्थिति में जातक का झुकाव जो है बुरी चीजों की तरफ भी हो सकता है, जैसे मोह इत्यादि चीजों के प्रति जातक का झुकाव रह सकता है जरूरत से ज्यादा। इसके कारण जातक की शिक्षा बाधित हो सकती है, हालांकि शिक्षा के प्रति जातक का झुकाव फिर भी रहेगा क्योंकि चंद्रमा जिस भाव को देखेंगे उस भाव से संबंधित चीजों के प्रति झुकाव पैदा करेंगे। अब चंद्रमा को क्यों लिया? देखिए, चंद्रमा है जातक के मन, जातक के विचारों का कारक ग्रह चंद्रमा को माना जाता है। मित्रों, चंद्रमा से संबंधित आज का पांचवा सूत्र इस प्रकार से है। कुंडली में पूर्ण बलवान चंद्रमा हो और उस पर कहीं से भी शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में कुंडली के अनेक दोषों का समन ऐसे शुक्र कर देते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, चंद्रमा को मैंने यहाँ पर लिखा है कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर। चतुर्थ भाव में चंद्रमा कारक ग्रह भी होते हैं। अब मान लीजिए कि ये चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हैं और शुभ होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के दशम भाव के अंदर। अब यहां से वह अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देखें, क्योंकि शुक्र के पास केवल एक ही दृष्टि होती, वह होती सप्तम दृष्टि। अब शुक्र ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण चंद्रमा अत्यंत शुभ हो जाएंगे और कुंडली में किसी भी प्रकार का यदि दोष आ रहा है तो उसे दूर करने का प्रयास ऐसे शुक्र करते हैं। क्यों? देखिए, शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च अवस्था के माने जाते हैं। शुक्र की दृष्टि यानी शुक्र की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो वह उसे पर्याप्त रूप से बल देने का कार्य करती है, सकारात्मक बल देने का प्रयास करती है, तो ऐसी परिस्थिति में ये कुंडली के अनेक दोषों का समन कर देती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें।